नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा के छत्र प्रीति परिवार से विशेष कवरेज दिखाने जा रहा हूं। यहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, बहुत ही भव्य आयोजन है। 3 अक्टूबर 2018 से लेकर 9 अक्टूबर 2018 तक ये भागवत कथा चलने वाला है, जिसमें 8 तारीख को ये प्रोग्राम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 500 के करीब लोग इस आयोजन को देखने जुटे हैं और भागवत कथा सुनने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं रुक्मिणी विवाह का आयोजन 8वें दिन होता है भागवत कथा में, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्र सिंह मोहन सिंह चौहान जी के पुत्र अवधेश सिंह चौहान और उनकी बहू इस प्रसंग में बैठी हैं और उनका विवाह फिर से इस तरह से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही धूमधाम से इस प्रसंग को मनाया जा रहा है। विवाह अपने आप में बहुत ही बड़ा एक है और यहाँ पर देख सकते हैं उनके विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। रुक्मिणी विवाह यहाँ पर जो ब्यास गद्दी पर बैठे हैं उनके द्वारा लगातार गीतों का जो सिलसिला है जारी है, और कम से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये सजावट किया गया है मंडप का, और इस मंडप में बहू और उनके पुत्र आ गए हैं और शादी का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत जो महाराज हैं उनके द्वारा मंत्र पढ़ा जा रहा है। लोगों के हाथ में फूलों का गुच्छा है, वो लोग शादी के समय फूल बरसाएंगे और आगे देखेंगे आप। यहाँ पर जो महाराज हैं उनके यहाँ कीर्तन में भी गाना शुरुआत हो चुका है कि दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्ही का तो दिल दीवाना लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आयोजन, छत्र प्रीति परिवार दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा से विशेष कवरेज देख रहे हैं। सबसे जो एक अहम योगदान हम एक बात है, या देख सकते हैं शादी का जो है कार्यक्रम ये हो चुका है, यहाँ पर फूलों के बरसात से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अब जो बरमाला कहते हैं, जयमाला कहते हैं, एक दूसरे को जो गला जो जो माला पहनाया जाता है वो अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये लड़का अब लड़की के गले में माला, लड़की पहले गले में माला लड़की के डाल रहे हैं, देख सकते हैं अवधेश सिंह जी के गले में, ये देखिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही धूमधाम से लोग अभी ताली बजा रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत हो रहा है, धूमधाम से शादी। अवधेश सिंह चौहान छत्र सिंह मोहन सिंह चौहान जी के पुत्र उनको इस प्रसंग में लाया गया है और उनके बहू हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी आज अच्छा दिन है जो रुक्मिणी विवाह का दिन है भागवत कथा में। और अंतिम दिन 9 अक्टूबर को महाप्रसाद का भी आयोजन है और बहुत ही अच्छे तरीके से 2 बजे से 6 बजे तक ये भागवत कथा का आयोजन होगा, और यहाँ पर अंतिम दिन 9 अक्टूबर को है। और ये देख सकते हैं शादी होने के बाद वर वधू को एक यहाँ पर बिठाया गया है, सामने देख सकते हैं बहुत ही सुहाना ये लग रहा है समय, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है वर वधू को, और देख सकते हैं राजपूताना तरीके से किस तरह से यहाँ पर बहुत ही भव्य ये मंडप सजाकर यहाँ पर अब आशीर्वाद देने का वक्त आ चुका है। देख सकते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने का वक्त आ चुका है और यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे आते हैं, वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। देखिए विशेष देखिए यहाँ पर छत्र सिंह मोहन सिंह चौहान जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं वर वधू को, यहाँ पर देख सकते हैं ये कमल का जो फूल है उनके हाथ में दे रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर ये सिलसिला शुरुआत हो चुका है। रुक्मिणी विवाह का विशेष कवरेज आप देख रहे हैं छत्र प्रीति परिवार से दादरा एवं नगर हवेली से। प्लीज़ इस चैनल का मदद जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरों को शेयर करेंगे दूसरों को मिलेगा तभी न्यूज़ उनको प्राप्त होगा, इसके लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं भारत उदय समाचार राहुल जगजीत के साथ, आइए हम आपको दिखाते हैं आगे किस तरह का आयोजन है, कैसे रुक्मिणी विवाह समाप्त हुआ, आशीर्वाद ले रहे हैं वर वधू अभी सभी बुजुर्ग से। देखिए आगे विशेष कवरेज। I'm
तो इस तरह से आपने देखा छत्रप्रीति परिवार द्वारा रुक्मिणी विवाह का बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रसंग मनाया गया और सभी लोग अब वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। वर वधू अब उस मंच पर आ चुके हैं जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर वर वधू जो महाराज जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं जाकर, और सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस रुक्मिणी विवाह से। यहाँ पर देख सकते हैं आशीर्वाद दिया जा रहा है व्यास गद्दी पर बैठे महाराज से। प्लीज़ इस चैनल का मदद करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।